नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों यदि आप एक CS से VL हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे VL का CSID ब्लॉक कर दिया गया है। आज ही के डेट में बहुत सारे CS से VL का ID ब्लॉक हुआ है और हो सकता है कि आपकी भी ID ब्लॉक हो जाए। एक छोटी सी गलती और ID ब्लॉक की जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि CSVL का ID क्यों ब्लॉक किया गया है, आखिर क्या कारण था, कौन सी गलती हुए किए थे, सब कुछ जानेंगे। और यदि आपका ID ब्लॉक हो गया है तो कैसे चालू होगा वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ID ब्लॉक होने के कारण और उसे ID को कैसे एक्टिव कराएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है। जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ID ब्लॉक होने के कारण क्या है और यदि ID ब्लॉक हो गया है तो क्या किया जाए कि ID चालू हो जाए और यह कितने दिनों में पुनः चालू होगा। दोस्तों CSE कहता है कि आप यदि VL हैं तो जो भी काम करें बिल्कुल साफ सुथरा काम करें। यदि आपके किसी भी काम में CSE को यह शक हो जा रहा है कि आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपके ID को ब्लॉक करने की धमकी देता है या आपके ID को बंद कर दिया जाता है CSE के द्वारा। तो बहुत सारे VL का ID आज ब्लॉक हुआ है, तो इसका कारण क्या है इसे आज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे कि एक टेलीलॉ का सर्विस है जिसमें केस दर्ज करना पहले लिमिट था, एक लिमिटेड अंतराल में, यानी 20 को 25 को आप केस दर्ज कर सकते थे, उससे ज़्यादा आप केस दर्ज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यह लिमिट हटा दिया गया है, आपको अनलिमिटेड कर दिया गया है, आप टेलो में जितना चाहे उतना केस दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भी इसी अनलिमिटेड सेवा का लाभ उठाकर एक ही दिन में 100-200 केस दर्ज कर देते हैं। तो जो जो VL एक ही दिन में 100-200 केस दर्ज किए हैं उन सभी VL का ID आज ब्लॉक कर दिया गया है, आज बंद कर दिया गया है। क्योंकि CSE को ऐसा लगता है कि आप एक दिन में 100 केस दर्ज कर रहे हैं, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं फर्जी आप काम कर रहे हैं, कमीशन के लालच में आप फर्जी काम कर रहे हैं, इस कारण से आपके ID को ब्लॉक किया गया है। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप टेलो में काम करते हैं तो फर्जी काम ना करें, जो भी काम करें सही काम करें, क्योंकि एक दिन में 100-150 केस दर्ज करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ VL कर दिए जिसकी वजह से उनकी ID ब्लॉक कर दी गई है। तो चलिए मैं बता दूं यदि आपकी ID ब्लॉक हो गई है तो कैसे चालू होगी। तो इसको चालू करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने CSE टीम के जो भी मेंबर है उनके पास एक मेल करेंगे और मेल में लिखेंगे कि सर गलती से ऐसी हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने गलती से एक ही दिन में इतना ज़्यादा टेलो में केस दर्ज कर दिया था, लेकिन अब से ऐसा नहीं दर्ज करूँगा। तो ऐसा मेल आप अपने CSE टीम के पास कीजिए, CSE के पास कीजिए, जो DM है डिस्ट्रिक्ट में उनके पास कीजिए, और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनके पास भी करेंगे, सबके पास ये मेल कर देंगे। और ये मेल कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि मेल कर देंगे आपकी ID पुनः चालू हो जाएगी। यदि आपकी ID बंद हो गई है तो 3 महीने लग जाएंगे उसे चालू होने में, और यदि 3 महीने में नहीं चालू होता है तो 1 साल लग जाएगा आपको उसको चालू कराने में। ठीक ऐसे ही UCL जब बंद होता है तो 3 महीने बाद चालू होता है, या उसे चालू कराने में 1 साल लग जाता है। तो आप बिल्कुल सावधान रहें, जो अगर टेलीलॉ में काम करते हैं तो कोई गलती काम न करें, एक दिन में 100-150 आप केस दर्ज न करें, जो भी काम करें बिल्कुल साफ सुथरा करें और सही काम करें। ऐसा करने पर आपके ID पर भी खतरा नहीं आएगा और आप अधिक से अधिक पैसा भी कमा पाएंगे और CSE को पता चलेगा कि आप कभी बार्गेनिंग नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई काम करें तो साफ सुथरा और बढ़िया से काम करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेल साथियों।